भविष्य में दुश्मनों के लिए और भी खतरनाक होने वाली है। भारतीय सेना की भविष्य में ताकत बढ़ाने वाले हैं। कुछ हथियार युद्ध जीतने के लिए प्राचीन ग्रंथों से निकलेगा युद्ध जीतने का फार्मूला। कुछ ऐसे हथियार हो रहे हैं तैयार जो बन जाएंगे भारत के दुश्मनों के लिए खौफ का कारण। मिसाइल दागने से लेकर दुश्मनों पर निगरानी तक के लिए किया जा रहा है तगड़ा इंतजाम। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। अगर आप इस विषय में कुछ नहीं जानते तो फिर ये आर्टिकल आपके लिए ही है। इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। दोस्तों, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सैनिकों को निशाना बनाने वाली नई पीढ़ी की बारूदी सुरंगें, टैंकों के लिए अपग्रेडेड साइट सिस्टम, हमलावर नावें और हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री प्रोजेक्ट व्हीकल्स जैसे कई उपकरण भविष्य में भारत की सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई है। बता दें कि ये सारी चीजें भारतीय सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए की जा रही है। भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना को और भी मजबूत बनाना चाहती है ताकि सेना देश पर आए किसी भी विपत्ति का सामना डटकर कर सके। दोस्तों, इन तमाम उपकरणों को सौंपने के बाद भविष्य में भारतीय सैनिकों को अधिक से अधिक तकनीकी रूप से और भी ज्यादा विकसित हथियारों को मुहैया कराने की योजना है ताकि उन हथियारों के बूते उनकी मारक क्षमता बढ़ाई जाए और उनकी सुरक्षा की गारंटी का प्रतिशत भी बढ़ सके। बता दें कि रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक इस समय भारतीय सेना का ध्यान भी आधुनिकीकरण पर ही है। हाल ही में ये खबर भी आई है कि DRDO भारतीय सेना के लिए काली और दुर्गा जैसी सीक्रेट लेजर वेपन को विकसित करने में लगी है जिससे दुश्मन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हथियारों को पल भर में तबाह किया जा सकेगा। हालांकि दूसरी ओर भारतीय सेना के इस आधुनिकीकरण के सामने कई चुनौतियां भी हैं और उन सभी चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती बजट की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है जिस वजह से सैनिकों की संख्या अधिक होने से पर्याप्त फंड हथियारों के लिए नहीं बच पाता क्योंकि बजट का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन और पेंशन में चला जाता है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि सरकार सैनिकों की संख्या कम करने और हथियारों तथा उपकरणों पर अधिक खर्च करने के बारे में विचार कर रही है। दोस्तों, जब कभी भारत के दुश्मन देशों का जिक्र होता है तो सबके जहन में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आता है, लेकिन बता दें कि पाकिस्तान की ताकत तो भारतीय सेना के सामने कुछ भी नहीं है। वास्तव में अगर भारत को किसी से सावधान रहने की जरूरत है तो वो है चीन। जी हाँ, चीन भारत का दुश्मन होने के साथ ही ताकतवर देश की सूची में भी शामिल है। उसके पास भी एक बड़ी सेना और आधुनिक उपकरण और हथियार हैं। बता दें कि चीन के मुकाबले भारत की वायुसेना की क्षमता भी कमजोर है। ऐसे में दुश्मनों से डटकर मुकाबला करने के लिए और दुश्मन को पराजित करने के लिए भारतीय सेना के पास भी आधुनिक हथियारों का होना अनिवार्य हो जाता है। बता दें कि जनरल हुड्डा ने भी भारतीय सेना की मजबूती को लेकर ये कहा है कि भारतीय सेना को लगातार बदलते रहना होगा, उन्हें समय के साथ नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा। वैसे DRDO ने इसके लिए अपना काम शुरू भी कर दिया है। अब तक DRDO ने भारतीय सेना को कई शक्तिशाली हथियार दिए हैं और आगे भी भारतीय सेना के लिए DRDO कई ताकतवर हथियार विकसित करने वाला है। तो चलिए अब भविष्य में आने वाले कुछ हथियारों के विषय में जानते हैं। जोरावर टैंक। दोस्तों, जोरावर टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये काफी हल्का होगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जोरावर टैंक का वजन मात्र 25 टन होगा और इसे चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। लद्दाख में जोरावर टैंक को 100 किलोमीटर तक चलाकर देखा भी जा चुका है। आने वाले कुछ महीनों में इसके यूजर ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। बता दें कि इसकी नली 120 एमएम की है और इसमें ऑटोमेटिक लोडर, रिमोट वेपन स्टेशन भी। इसमें 12.7 एमएम की हैवी मशीन गन भी लगाई जा सकेगी। जोरावर में AI ड्रोन इंटीग्रेशन, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक भी होंगे। बता दें कि इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता इतनी कुशल होगी कि ये दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए काफी कारगर साबित होगा। कम वजन के कारण जोरावर को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, जोरावर को LNT बना रहा है जबकि इसका डिजाइन DRDO ने बनाया है। भारतीय सेना ने इन्फेंट्री जोरावर टैंक बनाने का आर्डर DRDO को दे रखा है। DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन।
दोस्तों, भारतीय सेना के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं। बता दें कि ये दुश्मन देश के लिए भारत की ओर से सबसे खतरनाक जवाब साबित होने वाला है। दरअसल ऐसे वेपन्स किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके किसी भी टारगेट पर इस तरह से हमला करते हैं कि टारगेट पल भर में जलकर तबाह हो जाता है। इस वेपन की मदद से दुश्मन देश के इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली सभी को पल भर में नेस्तोनाबूद किया जा सकता है। बता दें कि इस डायरेक्टर एनर्जी वेपन से दो तरह के हमले किए जाते हैं, पहला लेजर लाइट हमला और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग हमला। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन भारत का सीक्रेट वेपन माना जा रहा है, जिसमें काली यानी कि किलो, एम्पियर, लीनियर इजेक्टर और दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे जैसे वेपन का नाम शामिल है। नौसैनिक जहाज। दोस्तों, भारतीय सेना अपनी मजबूती के लिए कई वर्षों से सरकार से अनमैंड एरियल व्हीकल यानी जंगी जहाज की मांग कर रही थी और खबर ये है कि सरकार ने इसे सेना को सौंपने की मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि नौसैनिक जंगी जहाज पर 10 नेवल शिप बॉन्ड की तैनाती की जाएगी। इस जंगी जहाज के लिए तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार से भारतीय सेना को मिली है। बता दें कि लगातार भारत सरकार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है और इसी कड़ी में नौसैनिक जहाज की मंजूरी भी भारतीय सरकार का एक बेहतर कदम माना जा रहा है। इस जहाज के जरिए ड्रोन से निगरानी, जासूसी और दुश्मनों पर हमला करना भारतीय सेना के लिए आसान हो जाएगा। समुद्र में बैठे बैठे नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। दोस्तों, भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के लिए डेवलप की जाने वाली हथियारों की सूची तो लंबी है, इसीलिए अब हथियारों के अतिरिक्त एक और बात जान लेना आपके लिए जरूरी है और वो बात यह है कि भारतीय सेना तकनीकी रूप से समृद्ध हथियारों उपकरणों के अलावा भविष्य में युद्ध जीतने के लिए प्राचीन ग्रंथों के फार्मूले को संकलित करने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। जी हां, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर भविष्य में होने वाले युद्धों की रणनीतियों को संकलित करने के लिए एक परियोजना चल रही है। बता दें कि एक पुस्तक जिसमें प्राचीन ग्रंथों से चुनी गई 75 सूक्तियों की सूची है, वो पहले ही आ चुकी है। दोस्तों, इस परियोजना के तहत कौटिल्य कामंदक और कुरल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय सेना शासन कुशल, रणनीति, कूटनीति और युद्ध में भारत की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को अपनाएगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट उद्भव नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय सेना को भविष्य में ताकतवर बनाने की योजना चल रही है, जिसके तहत भारतीय सेना को कई ताकतवर हथियार दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव जैसे परियोजना के तहत और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के कई देश युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहे हैं, ऐसे में भारत के दुश्मनों का भी चेहरा उभर कर पिछले कुछ महीनों सालों में सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के अलावा मालदीव के रवैये से भी भारत वाकिफ हो चुका है और इस लिहाज से भारत की ये तमाम तैयारियां बिल्कुल जायज है। भारत का एक रिकॉर्ड अब तक कायम है कि इसने युद्ध की पहल कभी नहीं की है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार रहना किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होता है और इसीलिए भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के आर्टिकल में इतना ही। मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।